हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 158। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके सो आपके पास ये पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके सो इस पजल में गिवन क्या है, उस टाइम से बोला है कि 7 पर्सन ए थ्रू जी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो हैविंग 9 सीट्स फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके उस टाइम से बोला कि टोटल आपके 7 पर्सन है जो कि एक स्ट्रेट रो में बैठे हुए हैं जिसमें 9 सीट्स हैं, ठीक है। सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। उसके बाद ईच ऑफ देम स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन एग्ज़ाम अमंग दिस। ओके हर एक ने अलग अलग मार्क्स स्कोर करें, मार्क्स आपके पास यहाँ पर दिए हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो इतनी आपके पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है और इन्हीं सब पर बेस उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दी हैं। सो एक काम करते हैं हम, क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दो पहले पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिमिलरली यहाँ पर बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लिखते हैं। देखिए उसने हमें क्या बताया कि सी सिट्स 2 सीट्स अवे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर वैकेंट वाला आपके पास केस होगा, तो सीट्स और पर्सन्स का ध्यान रखिएगा। उसने बोला कि सी कहाँ पर है, वो 2 सीट्स अवे है ए से, हु स्कोर्ड लेस मार्क्स एन एफ। ओके सी 2 सीट्स अवे है किससे, ए से, ठीक है, और ए के मार्क्स लेस हैं किससे, एफ से, ठीक। पर्सन हु स्कोर 22 मार्क्स सिट्स, ये सिट्स है, ठीक है, सिट्स 3 सीट्स अवे फ्रॉम द पर्सन हु स्कोर द लीस्ट मार्क्स। ओके उसने बोला कि वो पर्सन जिसके 22 मार्क्स हैं वो 2 सीट्स छोड़कर है किससे, उस पर्सन से जिसके लीस्ट मार्क्स आए, मतलब क्या 8, ठीक है। उसके बाद पर्सन हु स्कोर 9 मार्क्स सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। ओके वो स्टूडेंट जिसके 9 मार्क्स आए वो एक एंड पर बैठा हुआ है, ठीक है, एंड ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन हिम एंड एफ, और इसके और एफ के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इनके बीच में एक कोई सीट की वजह खाली हो जाए या फिर दो कोई सीट की वजह खाली हो जाए, इजेंट इट, 1 पर्सन बैठा हुआ है लेकिन सीट्स कितनी हमें नहीं पता है, तो इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे, अभी बस लिख लीजिए। उसके बाद उसने बोला कि नो 2 एडजेसेंट सीट्स आर वैकेंट। ओके कोई भी 2 एडजेसेंट सीट्स वैकेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद डी सीट्स ऑन अ सीट एडजेसेंट टू द पर्सन हु सिक्योर्ड सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स। ओके डी कहाँ पर है, एडजेसेंट सीट पर है, ठीक है, किससे, उस पर्सन से जिसके मार्क्स कितने हैं, सेकेंड हाईएस्ट है, मतलब क्या मार्क्स होंगे 22, ठीक। उसके बाद एफ 2 नॉट सिट्स एडजेसेंट टू डी, एफ डी के पास नहीं है। ओके उसके बाद नो 1 सिट्स बिटवीन ई एंड द पर्सन हु स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। ओके कोई भी नहीं बैठा हुआ है किसके बीच में, ई और उस पर्सन के बीच में जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, मतलब 23 मार्क्स हैं। इनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं है, हो सकता है इनके बीच में एक सीट क्या वो वैकेंट हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद एंड ई सिट्स एडजेसेंट टू एफ। ओके ई कहाँ पर है, वो एडजेसेंट है किससे, एफ से, ठीक है। उसके बाद जी सिक्योर्ड 6 मार्क्स मोर देन जी। ओके सी के 6 मार्क्स ज़्यादा हैं किससे, जी से। ओके उसके बाद बी सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन डी बट नॉट एज मच एज सी। ओके बी के मार्क्स कितने हैं, वो ज़्यादा हैं किससे, डी से, लेकिन सी से कम है, ठीक। उसके बाद एफ सिक्योर्ड इवन नंबर ऑफ मार्क्स। ओके एफ के इवन मार्क्स आए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स टू द राइट ऑफ द फर्स्ट वैकेंट सीट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ओके उसने से बोला कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं राइट में फर्स्ट वैकेंट सीट की जो कि लेफ्ट एंड से है, ठीक है, उसके राइट में जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो क्या है, इज लेस, वो लेस है किससे, नंबर ऑफ पर्सन जो कि लेफ्ट में है फर्स्ट वैकेंट सीट से फ्रॉम द राइट एंड। ओके उस टाइम से क्या बोला कि आपके पास राइट एंड से जो फर्स्ट वैकेंट सीट है, ठीक है,
इसके लेफ्ट में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है, लेफ्ट में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है वो ज़्यादा है किससे, इससे। उसने मुझे इतनी चीज़ बताई यहाँ पर, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब देखिए इसका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, नाइन को पुट कराने की, तो नाइन आपके पास यहाँ पर हो सकता है या फिर नाइन आपके पास यहाँ पर हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, इसने क्या बोला, इन दोनों के बीच में कोई भी पर्सन नहीं है, तो मान लेते हैं इनके बीच में वैकेंट सीट कोई भी नहीं है, तो एफ आपके पास यहाँ पर होगा, एफ आपके पास यहाँ पर होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए आप अब ई को कहाँ पर पुट कराएंगे, अगर हम यहाँ पर बात करें ई और 23 दोनों क्या है, वो साथ में है, इज़न्ट इट। तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके पास जो नंबर्स थे हुए हैं 8, 9, 15, 16, 17, 22 and 23। ठीक है, सो देखिए आप सी को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, हम जानते हैं कि सी के मार्क्स 6 ज़्यादा हैं किससे, जी से, तो इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि सी यहाँ पर हो जाए और जी यहाँ पर हो जाए। ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं ना कि सी से पहले, मतलब सी से जो कम है वो एटलीस्ट बी और डी तो आपके पास है ही, इतना हम जानते हैं। इसका मतलब क्या है, सी आपके पास 15 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके सी यहाँ पर नहीं हो सकता, सी यहाँ पर नहीं हो सकता, सी 22 हो सकता है क्या, अगर ये 22 का इससे 6 कम, इसकी पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या सी आपके पास यहाँ पर हो जाए, जी आपके पास यहाँ पर हो जाए। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, आपके पास सी यहाँ पर हो जाए और जी यहाँ पर हो जाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस वाली पॉसिबिलिटी की, तो देखिए उस टाइम से क्या बोला कि एफ़ के मार्क्स कितने आए, इवन आए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एफ़ के मार्क्स तो सिर्फ 80 हो सकते हैं अब इस वाली पॉसिबिलिटी में, इजेंट इट। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं क्या, एफ़ के मार्क्स ए से ज़्यादा हैं तो वो लीस्ट तो हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एफ़ आपके पास यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब ये आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो यही आपके पास पॉसिबिलिटी बनेगी। और इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो एफ़ यहाँ पर नहीं आ सकता, या तो एफ़ यहाँ पर होगा या फिर एफ़ यहाँ पर होगा, तो इसकी मैं पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ। देखिए ओके, जी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, या तो एफ़ यहाँ हो सकता है या फिर एफ़ आपके पास यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें ये आपके पास 23 का है, दोनों ही केसेस में सी है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी पर्सन नहीं होगा, हमें इतनी चीज़ दिमाग में रखनी है। अब देखिए क्या ई यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ पाएगा, बिकॉज अगर ई यहाँ पर है हम सी को यहाँ पर नहीं पुट करा सकते, यहाँ पर नहीं पुट करा सकते। इसका मतलब क्या है, आपके पास ई यहाँ पर आएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिमिलरली यहाँ पर भी है, ई आपके पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी की, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ई और सी के बीच में कोई भी सीट भी नहीं है, पर्सन तो उसने ऑलरेडी मना करा हुआ है, कोई भी सीट भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास सी यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 23 यहाँ पर है, 23 यहाँ पर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी और ए के बीच में एक सीट है, ठीक है, टू सीट्स अवे है ना, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एक सीट होगी, तो ए आपके पास यहाँ पर होगा, ए आपके पास यहाँ पर होगा, फाइन। अब अगर हम बात करते हैं डी को पुट कराने की, तो देखिए डी आपके पास कहाँ पर है, वो 22 के पास है, और इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं डी की, डी आपका एफ़ के पास हो नहीं सकता, उसने मना करा हुआ है। ठीक है, तो डी यहाँ पर नहीं आ सकता है, फाइन। क्या मैं डी को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, अगर मैंने डी को यहाँ पर पुट करा दिया, इन दैट केस 22 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, फिर अगर मैं दो सीट्स छोड़कर 1, 2 यहाँ पर अगर पुट कराना चाहूँगा, मैं 8 को नहीं पुट करा सकता, मतलब डी आपके पास यहाँ पर भी नहीं हो सकता, डी आपके पास यहाँ पर हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैंने डी को यहाँ पर पुट कराया तो 22 आपके पास ए हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ए आपका 22 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एफ से कम है। ठीक है, डी आपके पास यहाँ पर हो सकता है क्या, अगर मैंने डी को यहाँ पर पुट करा दिया तो ये आपके पास 22 तो नहीं हो पाएगा, ये आपके पास 22 होगा, लेकिन अगर मैंने ये 22 बना दिया, इन दैट केस देखिए 1, 2 छोड़कर यहाँ पर आपको किसी को पुट कराना पड़ेगा, लेकिन ध्यान समझिएगा यहाँ पर आपके पास कोई भी वैकेंट सीट नहीं है इन दोनों में से, और अगर हम देखें इसको भी फिल कर देंगे, इसको भी फिल कर देंगे, तो आपके सिर्फ एक ही वैकेंट सीट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपके पास डी यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो डी आपके पास सिर्फ यहीं पर हो सकता है, अगर मैंने डी को यहाँ पर पुट करा दिया, इन दैट केस 22 यहाँ पर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, आप 8 को नहीं पुट करा पाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास पॉसिबिलिटी रॉन्ग। सिमिलरली इसमें भी होगा, आपके पास आप डी को यहाँ पर नहीं पुट करा सकते हैं, बिकॉज 22 यहाँ पर हो जाएगा, आप 8 को नहीं पुट करा सकते हैं, डी आपका एफ के पास हो नहीं सकता है, डी यहाँ नहीं हो सकता,
डी यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, आपके पास ई और सी के बीच में ऐसा तो नहीं है कि एक भी सीट ना हो। अगर मैं एक सीट को यहाँ पर पुट कर रहा था तब देखिए, ओके अगर एक वैकेंट यहाँ पर है और सी यहाँ पर है 23, वैकेंट यहाँ पर है सी यहाँ पर है 23, ठीक है। तो देखिए ए आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ए आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, फाइन। अब अगर हम बात करते हैं डी की, तो देखिए डी यहाँ पर नहीं आ सकता, आपके पास डी यहाँ पर हो सकता है क्या? अगर मैंने डी को यहाँ पर पुट कराया 22 यहाँ पर हो जाएगा, इन दैट केस एक दो छोड़कर मैं 8 को नहीं पुट करा सकता, मतलब डी आपके पास यहाँ पर भी नहीं आ सकता। डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता बिकॉज ये आपके पास 22 हो नहीं सकता है, डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, ये आपके पास 22 नहीं हो सकता है। सिमिलरली इस केस में भी आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 9 और F के बीच में एक वैकेंट सीट होगी ही होगी, ठीक है। अब मैं इसे बनाता हूँ, देखिए ओके मान लेते हैं इन दोनों में से एक आपके पास वैकेंट सीट है, इसका मतलब F आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, सिमिलरली इसमें भी F आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसको पुट कराने की, E को पुट कराने की, तो देखिए E आपके पास यहाँ पर हो सकता है क्या? अगर इन केस E यहाँ पर हो जाएगा तो हम C को यहाँ पर पुट कराएंगे, नहीं हो पाएगा क्योंकि हम जानते हैं ना इन दोनों में से एक सीट आपके पास क्या है, वैकेंट है। क्या E आपके पास यहाँ पर हो जाएगा? अगर E यहाँ पर होगा तो C यहाँ पर नहीं आ सकता, C यहाँ पर आएगा फिर से वही चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, E आपके पास यहाँ पर होगा, सिमिलरली E आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं आपके पास अगर हमें किसको पुट कराना है, E और C को पुट कराना है, इनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास एक वैकेंट सीट है, यहाँ पर सी हो जाएगा, एक वैकेंट सीट है, यहाँ पर आपके पास सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं ए की बात करता हूँ, ए यहाँ पर हो जाएगा, ए आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ऑलराइट। फिर देखिए ये आपके पास है 23, ये भी आपके पास कितना है 23 है। अब अगर हम डी की बात करते हैं, डी यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, डी यहाँ पर भी नहीं हो सकता, फाइन। क्या डी यहाँ पर हो सकता है? अगर मैंने डी को यहाँ पर पुट करा दिया, इन दैट केस ये 22 हो जाएगा, नहीं वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो डी आपके पास सिर्फ वहीं पर आ सकता है, अगर डी यहाँ पर आएगा तो 22 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, फिर एक दो छोड़कर ये आपके पास 8 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करते हैं तो डी यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ नहीं हो सकता, डी सिर्फ वहीं पर होगा, 22 यहाँ हो जाएगा, इन दैट केस एक दो छोड़कर 8 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ये आपके पास वैकेंट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपके पास वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम जी को पुट कराने की बात करते हैं, जी 17 यहाँ पर, जी 17 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था, उसने हमसे बोला था कि वो नंबर ऑफ सीट्स जो कि राइट में फर्स्ट वैकेंट सीट लेफ्ट हैंड वाले से, मतलब क्या, ये आपके पास फर्स्ट वैकेंट सीट है लेफ्ट हैंड से, ठीक है, इसके राइट में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर हम इस सीट से देखें जो कि राइट हैंड से फर्स्ट है, इसके लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1 2 3 4, 4 पर्सन है। उसने हमसे बोला क्या था कि नंबर ऑफ सीट्स लेस होनी चाहिए किससे, इससे, लेकिन यहाँ पर ये तो उल्टा हो रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन को प्रॉपरली पढ़िएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं फिर से देखिए, इसके राइट में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1 2 3 4 5, ये तो इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ई और सी के बीच में वैकेंट सीट नहीं होगी, ठीक है। अब मैं सी को यहाँ पर पुट कराता हूँ तब देखिए, ओके सो सी आपके पास यहाँ पर है 23, सिमिलरली सी आपके पास यहाँ पर है 23। अगर हम बात करते हैं ए की, ए आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, सिमिलरली ए आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं किसको पुट कराने की, डी को पुट कराने की, तो देखिए डी यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ नहीं हो सकता बिकॉज ए 22 हो नहीं सकता है, ठीक है। आपके पास डी यहाँ पर हो सकता है क्या? अगर डी यहाँ पर हो जाएगा, इन दैट केस ये 22 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डी आपके पास यहाँ पर होगा, ये 22 होगा, इन दैट केस एक दो छोड़कर ये आपके पास 8 हो जाएगा, फाइन। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करते हैं, डी यहाँ नहीं हो सकता, 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 डी यहाँ पर होगा, इन दैट केस 22 यहाँ पर होगा, 1 2 छोड़कर 8 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वैकेंट, ये आपके पास वैकेंट, फाइन। फिर अगर हम बात करते हैं इसी कंडीशन की, तो देखिए इन दोनों में से वैकेंट कौन सी होगी, देखिए मान लेते हैं ये आपके पास वैकेंट है, सिमिलरली ये आपके पास वैकेंट है, तो देखिए फिर से वही कंडीशन, हम इसको चेक करेंगे, इसके राइट साइड में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1 2 3 4 5,
मतलब क्या ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी वही होगा, इसके राइट साइड में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब क्या वैकेंट सीट यहाँ पर नहीं होगी। अगर मैं वैकेंट सीट को यहाँ पर पुट कराता हूँ तब देखिए, अगर वैकेंट सीट आपके पास यहाँ पर है, सिमिलरली यहाँ पर है, इन दैट केस जी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, जी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना है आपका 17 है, ये आपके पास 17 है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसके राइट साइड में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। इसके लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितने 7 है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू इससे लेस है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें अगर हम बात करते हैं इसके राइट साइड में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है, 8 है, और हम ऑलरेडी जानते हैं आपके पास नंबर ऑफ पर्सन ही 7 है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन भी आपके पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए आपके पास यही कंडीशन, मतलब ये वाली अरेंजमेंट क्या रहेगी, यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी। और अगर हम यहाँ पर पुट कराना चाहते हैं तो किसको पुट करा सकते हैं, बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, फाइन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ए आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ए के मार्क्स लेस हैं किससे, एफ से, तो ये आपके पास 16 हो जाएगा, ये आपके पास 15 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास अरेंजमेंट बनेगी। आई होप आपको समझ में आएगा जिस तरीके से इसको हमने सॉल्व करा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।